थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो इसको। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा कृष्ण भक्ति कृष्ण चैतन्य श्रियाद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मेरे गुरुपाद वसुमा चित्रीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद वसुमा चित्रीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को जथा की हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद जी के उपदेशा में। हम पहले ये सुना था प्रभुपाद कौन है, कहते राधा रानी की नयन मणि तो राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष है, राधा रानी की जो कृपा ही ये मूर्तिमान रूप में सुलभ होता है। बोले प्रभुपाद आई थी, बोले ये गोलक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज महल में राधा जी की चरण की सेवा में ये निवेश थे। लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, ये जीवों का दुख पर देख करके, क्योंकि जगत का मां श्री राधा रानी, माँ कभी बच्चों का दुख देख नहीं सकती, हम सबके सब उनके बच्चे हैं, हमारी दुख को देख करके हमारे कल्याण के लिए श्री राधा रानी अपना नयन मणि मंजरी को मतलब अपना कृपा को ही उन्होंने ये प्रभुपाद रूप में जगत में दिया। इसलिए श्री प्रभुपाद अभी हमें अपना राधा रानी के चरण में ले जाना चाहते हैं, उनकी सेवा में हमें नियुक्त करना चाहते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद अगर जगत में नहीं आते तो अभी जो थोड़े बहुत हम भजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, भजन तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए जो थोड़ी बहुत प्रयास करते हैं यही महापुरुष का कृपा है। अगर ये महापुरुष नहीं आते अभी हम कभी भी भगवत भक्ति में कभी आए नहीं सकते। इसलिए हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक बहुत बड़ी बात होता है, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए उनके अवदान को अगर तराजू का एक तरफ में धर दिया जाए, किलो प्रभुपाद के अवदान को एक तरफ में धर दिया जाए, प्रभुपाद का पल्ला भारी बढ़ गया। उन्होंने प्रभुपाद के लिए इतने बड़े पाप उठाए, क्यों? पहले पहले जो आचार्य आए प्रचार किया है, लेकिन किसी देश का एक कोण में थोड़ी बहुत उन्होंने कहीं प्रचार कर दिया, कोई एक दो आध कोई शिष्य बना दिया, लेकिन संपूर्ण विश्वव्यापी महाप्रभु का वाणी को प्रचार करना और पृथ्वी के आश्चर्य नगराधिग्रह सर्वत्र प्रचार है मरना, जो महाप्रभु का भविष्यवाणी है, एक दिन पृथ्वी में सारे गांव सारे शहर में कृष्ण नाम गुण उठेगा, सुखी है या लोक मर गाय पृथ्वी, लोग प्रसन्न होकर के मेरे गुणगान करेंगे। अगर ये बात को
पूर्ण रूप में कोई अगर सार्थकता किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उन्होंने तो किया ही है, लेकिन उनको शिष्यों को भी उन्होंने अलग अलग जगह पर भेज करके उनको द्वारा भी उन्होंने प्रचार करवाया। इसलिए श्रील प्रभुपाद का देन है, अभी जो थोड़ी बहुत प्रश्न कर रहे हैं, ये ग्रंथ क्या है, कहते श्रील प्रभुपाद का उपदेश, मतलब ये उपदेश को कोई अगर जीवन में ग्रहण करेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो सीधा गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। इसीलिए उनको ये उपदेशा मिलता है। हम लोग ने दो तीन उपदेश को हम लोग ने श्रवण किया था, उसको आगे कोशिश करेंगे श्रवण करने के लिए। हम लोग ने पहले श्रवण किया था, इसने प्रश्न किया, कर्तव्य बुद्धि है ते जहाँ करा जाए तहाँ की भक्ति, मतलब कर्तव्य बुद्धि में जो काम करते हैं उसको क्या भक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कर्तव्य बुद्धि कृतज्ञता प्रभुति मन वृत्ति, जो कर्तव्य और जो कृतज्ञता तभी ये मन का वृत्ति, ये आत्मा की वृत्ति। कर्तव्य बुद्धि मतलब होता है अरे मेरे को उसने ऐसे इतना किया, सिर्फ उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, जब उन्होंने मेरे लिए इतना किया है उसके लिए हमें भी कुछ उनके लिए करनी चाहिए, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनता है उनके लिए करने का। इसलिए कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जिसने हमारे लिए कुछ किया उसके चरण में रेली है कृतज्ञ। क्योंकि इसी बुद्धि में जो की जाती है क्योंकि वो भक्ति नहीं है, ये मन का वृत्ति है, आत्मा की वृत्ति। राधा रानी कहती है ना, आसे सब आपादरता विनष्ट मा अदर्शन मर्म अतकर्तुवा यथा तथा विदधातु लपट अत प्राण नातस्त सर्वना। राधा रानी कहते हैं भले ही कृष्ण मेरे को जीवन में कितने दुख कष्ट क्यों नहीं, प्यार को नीचे हमें रोंद क्यों नहीं दे, हैं जो कुछ जीवन में हमें कुछ क्यों नहीं करे, कृष्ण कौन है, यह हमारे प्राणनाथ है, यह हमारे जीवन सर्वस्व, जीवन सर्वस्व है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमें इसी दुनिया की धन जन परिवार है, हम जगत का किसी चीज की जरूरत नहीं, जैसे जन्म जन्मांतर में ठाकुर की चरणा वाली हम पाएंगे अहेतु की निष्काम भक्ति हो, क्यों वो हमारे प्रभु है, हम उनका दास है, हमारा कर्तव्य ही उनकी सेवा करना है, किसी विनिमय को नहीं। बोले ननाक प्रेष्टम चपारमेष्टम नरसाधिपत्यम। इसलिए मित्राश्रव भी यही कहते हैं प्रभु, जब भगवान बोले तेरे को स्वर्ग दे देता हूँ, प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए बोले नहीं, बोले नहीं तो उसको ऊपर में सात लोग ऊपर तो ब्रह्म लोग ले लें, परमेश ब्रह्मापद ले लो, ब्रह्म ब्रह्मापद भी नहीं चाहिए, बोले नहीं तो उससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य जगह सात ले लें उसका पद ले लें, बोले नहीं ये नहीं, तो उसको ऊपर और दे देता, बोले कहाँ मकसद आनंद ही आनंद है, पूर्ण ब्रह्मानंद है, वहाँ जाओगे तो प्रभु को भी नहीं चाहिए, चाहते हो प्रभु जैसे ब्रजवासी आपकी विरह में दिन रात तुम्हारी चिंतन में डूब जाते हैं, है जैसे विरह में डूब जाते हैं, हम चाहते हैं तुम्हारी विरह में तुम्हारी चिंता में हर समय में डूबे रहूँ। इसलिए कहते हैं जिसको कर्तव्य मान कर कहते हैं वो उसको भक्ति नहीं बोलते हैं। इसलिए यदि ये आत्मा का धर्म नहीं, कर्तव्य बुद्धि क्रिया मन बुद्धि अहंकार और भक्ति क्रिया आत्मा होता है, इसलिए जो भक्ति है भक्ति का जो क्रिया है आत्मा भूमिका, और कर्तव्य बुद्धि मन बुद्धि अहंकार को ऊपर में स्थापन होता है। इसलिए पृथ्वी सहित करा जाए, इसलिए
लिए जो प्रीति को साथ में जब कोई काम करते हैं, ममता को साथ में, तब कहते उसको कहते हैं ये भक्ति है। जो कर्तव्य बुद्धि में कहते हैं भक्ति नहीं। इसको हम पहले श्रवण कर लिया था। अभी इनका चौथा, किसी भक्त ने चौथा प्रश्न किया है, कहते अन्याभिलाषत की, जैसे श्री रूप गोस्वामी ने यद्यपि भक्ति का डेफिनेशन अलग अलग शास्त्र में है, जैसे भागवत में कहते सभी कौन सा पर धर्म जत भक्ति आहय आत्मा। भक्ति का डेफिनेशन भागवत में दिया। कहते भक्ति किसको कहते हैं, बोले सभी पुंसान परो धर्म, पुरुष मात्र का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले क्या सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जब तो भक्ति रथोक्ष अध्यक्ष जब भगवान की भक्ति करना ही जिनका परम कल्याण है, जिनका परम धर्म है। और भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले आहय तुकी अप्रतिहता, उसमें बिना कोई कारण नहीं होनी चाहिए और बीच में किसी चीज की बाधा नहीं होनी चाहिए। ये भी भक्ति का अंग है, इसको भी भक्ति कहते हैं। लेकिन कहने पर इसमें ना संपूर्ण रूप में किसको भक्ति करनी चाहिए, अध्यक्ष जो कौन है, अध्यक्ष तो नारायण बावनी भी है, नृसिंह देव भी, बराह देव भी, राम भी है, ये भी अध्यक्ष है, ये भी अध्यक्ष है। लेकिन यहाँ भक्ति का डेफिनेशन देने पर भी कहते पूर्ण रूप में यहाँ पर भक्ति का डेफिनेशन नहीं, बोले सापरान अनुरक्त, भगवान में श्रेष्ठ जो अनुराग की भी भक्ति। यहाँ पर भी कृष्ण का नाम नहीं लिया है, दूसरे किसी भी चरण में हो सकता है। और बोले अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगत, जो उद्धव नारद आदि जैसे भक्ति किया है, हैं अनन्य ममता, अनन्य रूप में न अन्य रूप में ममता होनी चाहिए, हैं अनंत ममता विष्णु, इसलिए ममता प्रेम संगता, वो ममता प्रेम जो यहाँ पर भी बोला। लेकिन स्पष्ट रूप में तुम किसको करनी चाहिए भक्ति, बात नहीं बताई। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जो भक्ति का डेफिनेशन दिया है उसमें पूर्ण रूप में, और यहाँ पर जो दिया है एक नियम है, अन्य और व्यतिरक होनी चाहिए, अनुकूल और प्रतिकूल। जैसे अनुकूल वस्तु को ग्रहण करते हैं, अगर प्रतिकूल चीज अगर नहीं छोड़ेंगे, हैं जैसे दवा तो खा रहे हैं, अगर आप परहेज नहीं करेंगे ना, फिर वो दवा का कोई काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर तो अनुपाय बताया, मतलब क्या करना उन्होंने बताया, लेकिन क्या छोड़ना इसमें नहीं बताया। केवल करो, हाँ भक्ति करो, लेकिन प्रतिकूल चीज़ को अगर नहीं छोड़ेंगे, भक्ति जो कर रहे हो फिर तो, जैसे दवा तो ले रहे हैं लेकिन उसका परहेज नहीं कर रहे, भैया दवा तो लेते रहेंगे लेकिन अगर परहेज नहीं करेंगे ना तो दवा असर नहीं करेगी। लेकिन कोई परहेज का बात नहीं बताया, मतलब दवा लेने की बात बताया, लेकिन रूप गोस्वामी इसमें परहेज की बात, इसलिए भक्ति तो करनी चाहिए लेकिन प्रतिकूल ज्ञान कर्मार्थ अनावृत, ज्ञान कर्म को तुम्हें अनावृत नहीं होनी चाहिए, ढकनी नहीं चाहिए, है ये चीज़ को यहाँ पर बताए। और अन्य अभिलाषिता सुनना, वहाँ पर तो भक्ति की बात बताए लेकिन उन्होंने ये नहीं बताए, हैं दूसरे अभिलाष को छोड़नी चाहिए ये बात नहीं बताए, लेकिन ये श्लोक में बताए नहीं, अन्य अभिलाष को त्याग करो, हैं फिर अनुकूलन कृष्णानुशीलन, अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। यहाँ पर जो बताए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन, यहाँ पर जो बताए अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर भगवान प्रसन्न होंगे वो काम करना। लेकिन यहाँ पर जो बताए जो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर अव्याप्ति अव्याप्ति और जो अतिव्याप्ति जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया ना, और किसी भक्ति में नहीं, कृष्ण का रचवाना प्रभु तो हो, माँ जसोदा कृष्ण को तो गोद से उतार दिया, यहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं, हाँ कृष्ण रो रहे हैं और मैया दूध रक्षा करने के लिए गई, ये भी इन लोग तो इसको ही भक्ति में नहीं है।
कृष्ण रो रहे हैं, इसको भक्ति नहीं आने को, लेकिन रूप गोस्वामी यहाँ पर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति जो शब्द प्रयोग किया ये बड़े मार्मिक शब्द है। इसलिए और भक्ति करनी किसको चाहिए, बोले कृष्णानुशीलन। पहले जो बात बताई केवल अनुशीलन की बात बताए, लेकिन किसकी अनुशीलन नहीं बात बताई, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहते हैं जो उत्तम भक्ति हुआ है कृष्ण का प्रति, अगर भक्ति बोले कृष्ण का प्रति नहीं केवल कृष्णा, कृष्णा मतलब श्रीमती राधा रानी, अगर वो भक्ति राधा रानी के अनुगत्य में अगर ये भक्ति नहीं हो, अगर रूपानुग हो करके अगर ये भक्ति नहीं होना, फिर तो भक्ति उत्तम भक्ति नहीं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने प्रश्न किया, बोले ये गत अन्य अभिलाषिता सुन्नम, भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले दूसरे दूसरे अभिलाष को छोड़ कर। बोले भैया अन्याभिलाषिता मतलब क्या है, अन्याभिलाषिता इसको मतलब क्या होता है, तो प्रभुपाद सरल उपाय में सरल बात में उन्होंने उसका आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं, बोले जगते जत खण थकब केवल निजर इंद्रिय तर्पण करीब यही रूप इतर अभिलाष ही अन्याभिलाष। कहते भक्ति करने के लिए दूसरे अभिलाष को त्याग देनी चाहिए। बोले भैया दूसरा अभिलाष क्या है, दूसरा अभिलाष किसको कहते हैं, तब प्रभुपाद सरल बात में कहते हैं, कहते जगत में जब तक मैं रहूँगा तब तक क्या करूँगा, केवल अपना इंद्रिय ही तर्पण करूँगा, केवल अपना भोग ही करूँगा है, और कुछ नहीं जानता हूँ, बस खाओ पियो मस्त रहो अपना भोग करते रहो, भगवान भगवान कुछ नहीं, हाथों हाथ कुछ नहीं, जब तक रहेंगे खाएंगे पिएंगे और केवल भोग करें, केवल अपना इंद्रिय तर्पण करेंगे, इसी को ही अन्याभिलाष कहते हैं, जिसमें भगवान की कोई सुख जिसमें। लेकिन भक्त लोग जो कुछ करते हैं इसके लिए कहते हैं सब कुछ भगवान की सुख। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म सूत्र में कहते हैं, बोले भैया कब तक ये माया है, बोले कब तक ये माया, बोले तब तक ये माया वा संसार बंधन है जब तक का जीव आपके चरण में शरणागत नहीं हो जाता। इसलिए भक्त, इसलिए हम कभी कहते हैं ना हम खाना नहीं खाते, हम नहीं बोलते खाना खाते, हम क्या करते हैं प्रसाद सेवा। भक्त लोग जो कुछ करते हैं वो सब सेवा बुद्धि से करते हैं, सब कुछ इनकी भगवत सेवा छोड़कर तो कुछ बुद्धि है ही नहीं है। इसलिए स्नान भी करेंगे, शरीर में साबुन भी शैम्पू भी लगाएंगे, वो भी सेवा बुद्धि करेंगे। क्यों, तो शरीर अगर गंदा होगा तो फिर हम बदबू निकला तो ठाकुर की सेवा कैसे, सेवा कैसे करेंगे। गोपियाँ जो श्रृंगार करती हैं, बड़े सुंदर गोपियाँ श्रृंगार करती हैं, सखा लोग भी बड़े सुंदर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते, बोले क्यों, बोले कृष्ण देख कर खुश हो, अपना खुश नहीं कृष्ण देख कर खुश हो। राधा रानी क्यों श्रृंगार करती हैं, कहते राधा रानी की इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार है, उनके तिलक उनकी केस की केस को तो बताया, बाल ब्याण बलन गिनी प्रणाम। रूप गोस्वामी उदाहरण दी राधा रानी की जो छोटी कभी काला नागनी सांप जैसे, काला नागनी जैसे डांट देती काट देती है, उसी तरह कृष्ण जब राधा रानी को केस को दर्शन करते हैं, वो केस नहीं छोटी नहीं, कृष्ण को उन्होंने दांत देती है कृष्ण को, जिसमें कृष्ण बस बेहोश हो जाते हैं, उनकी दांतने पर बेहोश हो जाते हैं। इसलिए कहते भक्त अपना सुख के लिए कुछ भी भक्त नहीं करते हैं, उनकी हर क्रिया है, कहते उनका पैखाना जाना उनका पेशाब करना भी भक्ति है। विश्वनाथ चौधरी कहते हैं भक्तों का पैखाना और पेशाब भी भक्ति, बोले क्यों, पैखाना क्यों करने जाते हैं, बोले पेट में अगर गैस रहेगा ठाकुर को जब हम सेवा करेंगे फिर तो अगर बाथरूम हो गया तो फिर अपराध है ना, तो अपराध होता है, इसलिए पैखाना करने जाते हैं, पेट साफ रहेगा तो पेट बढ़िया रहेगा तो ठाकुर की सेवा पूजा बढ़िया करेंगे, पेशाब भी भल भलो इनकी भी भगवान की सेवा है, इनका हर चीज़ काम क्यों करते हैं, अरे जो अर्थोपार्जन हो गया ठाकुर की सेवा में लगेगा, गुरु वैष्णव की सेवा में लगेगा। प्रभुपाद का समय में क्या होता था, जो गृहस्थ भक्त लगते हैं ना, जो काम करते थे, जो पूरा काम करते थे, पूरा जो तनख्वाह मिलता था वो
पूरा तन का प्रभुपाद ध्यान में देखो, बोले प्रभु जी गुरुदेव भी सारे पैसा ले लो, हमने जो कुछ पैसा कमाया ये गुरु वैष्णव ठाकुर सेवा प्रभुपाद करते थे, उससे थोड़ी लेकर के प्रसाद रूप में थोड़ी लेकर के इसको अपना संसार में, क्योंकि भक्तों का जो संसार है वो कृष्ण का संसार, सो कृष्ण का संसार है, पत्नी भी बच्चे, बच्चे भी भक्त, सब के सब भक्ति भजन करते हैं, इसलिए उनका संसार कृष्ण संसार, कृष्ण का संसार है, सब के सब भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्त लोग का जो कुछ काम है कृष्ण सो के लिए, गुरु वैष्णव का सो के लिए हर काम वो करते हैं, इसलिए उनके अंदर में कोई भी भोग की वासना नहीं, कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा लाएंगे, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ठाकुर जी के चरण में स्पर्श कराएंगे, ठाकुर जी आपका ये प्रसाद ही हो गया, गुरु जी का हाथ में देंगे, हैं गुरु जी का हाथ में देंगे प्रसाद रूप में, इसलिए वो भी क्या हो गया भगवान की प्रसाद, इसलिए उद्धव जी कहते हैं, कहते माया को मैंने जीता कैसे, कहते माया को मैंने जीता कैसे, केवल एक चीज से जीता है, भगवान की प्रसाद की माला पहनते हैं, भगवान की प्रसाद में दर्शन धारण करते हैं, भगवान की उचिष्ट को सेवन करते हैं, केवल ठाकुर का प्रसाद को ग्रहण करते हुए मैंने माया को जीता, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रपंच जाय चरण रेणु भजन आनंद भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जब हम प्रसाद को सेवा ग्रहण करेंगे, प्रसाद को हैं जब हम ग्रहण करेंगे सेवा करेंगे तो सकल प्रपंच जाय उसको सारे प्रपंच मतलब माया प्रश्न बताए माया सारे सारी माया कहते अन्याभिलास का मतलब क्या हुआ है, जब तक इस संसार में रही केवल अपना भोग, जहाँ अपना भोग बुद्धि आया वहीं पर अपना माया आई, वहीं पर माया आई, इसलिए हम कोई चीज़ भोग नहीं करते हैं, हर चीज़ की हम सेवा करते हैं, हर चीज़ को हम सेवा करते हैं। कहते उनका जो जिसने पंचमा प्रश्न किया है बोले कर्ता भी मान किससे जावे, का मतलब है कि संसार में हम क्यों बंधे पड़े, संसार की माया में हम क्यों बंधे हुए हैं, बोले कारण एक ही कारण है कर्ता एक करने वाले मैं बोले इसको किया कि अरे मैंने किया, मैंने नहीं करता तो थोड़ी काम होता, मैंने किया तभी तो हुआ है ना, संसार को भरण पोषण करने वाले बोले मैंने, खिलाने वाले मैंने, बोले करने वाले मैं, इसलिए मैं मेरी ते दरिया माया ना, ये माया है, कहते हमारे अंदर में ये कर्ता अभिमान होने का नाते संसार में हम बंधे हुए, जब ये कर्ता अभिमान खत्म हो जाएगा तो कोई बंध नहीं, संसार का कोई बंध नहीं, माया से हम मुक्त हो जाएंगे, इसलिए कहते कर्ता अभिमान कहते हैं किसको, इसको कहते हैं किसको कर्ता अभिमान, तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं बोले त्रिनाद भी सुनी चाहो, अर्थात जबकि भगवत सेवक बोले जाना ताहले कर्ता अभिमान आदो थाटवे ना तखन सानंदे हरिनाम करते पारिवे, तो प्रभुपाद कहते हैं जब कर्ता अभिमान छोड़ने के लिए पहले क्या करो, महाप्रभु ने जो बताया बिना रब्बि सुनी चेना दारो रब्बि सहिष्णुना हमारी ना अभिमान लेना कीर्तनी सुधा, भजन करने के लिए चार गुण हमारे अंदर होनी चाहिए, तीन से भी ज्यादा वृक्ष से भी ज्यादा और सबको सम्मान दो, कभी सम्मान की भूखे कभी मत, सम्मान की भूखे कभी मत रहा, इसलिए निज के भगवत सेवक बोले ताल कर्ता अभिमान आगो था, कहती है कर्ता अभिमान क्यों होता है, चूंकि हम अपने आप को भगवान का सेवक नहीं, इसलिए करने वाले में लेकिन जब कुछ कोई काम होता है वैष्णव लोग प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन में कोई काम हुआ ना वैष्णव पूछो भाई कैसे हो, गुरु जी के पास
ठाकुर जी के हम कि हम कौन होते हैं कहना, हम क्या कर सकते हैं कहना, उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं मिलता है। करने कराने वाले तो वही है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है, हैं उनकी कृपा से ही कहते आकर स्थानी आरोप करें। मतलब है अगर कुछ हुआ तो हमने कुछ नहीं किया, किसी कृपा से हुई, गुरु वैष्णव की कृपा से हुई है, ठाकुर की कृपा से हुई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हमारे हो नहीं पाता, फिर जब थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना चट, अरे मैंने किया है, मैंने नहीं करता तो आप थोड़ी हो जाता है, आप भगवान करते ही करते हैं, भगवान करते ही करते हैं, अगर मैं नहीं होता थोड़ी हो क्या काम होता, मैंने क्या तभी ये बात, अगर कहीं अगर किसी बात में लड़ाई झगड़ा है ना एकदम वैसे तो बोलेंगे हम तो दिए नहीं, हम तो बिना तो कुछ नहीं कर दास का दास, थोड़ी सी कोई इधर उधर ना है अपना स्वरूप झट पड़े हो जाता है, असली स्वरूप में झट आ जाते हैं, नकली स्वरूप झट चल जाती है, नकली जो इसलिए उदाहरण दिया जो तोता है ना राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते कब तक, तो जब कोई बिल्ली नहीं पकड़ते बिल्कुल, जब बिल्ली पकड़ लेते ना टा 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 राम राम कृष्ण कृष्ण, उसी तरह हम लोग भी हम तो बोलते हैं हम त्रिनाथ विष्णु जनता थोड़ी सी अगर इधर उधर अपना स्वरूप हमने किया, हम नहीं करता इसे थोड़ी होता है, हम तो क्या समझते हो हम साधारण थोड़ी है, अपना जो जो ईगो है ना अहंकार एकदम उसी समय आ जाता है, एकदम जो क्रोध में आ जाता है, अपनी स्वरूप असली स्वरूप हमारी प्रकट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तभी ये कर्ता अभिमान तभी नष्ट होगा जब हम ये समझेंगे हम कौन है, भगवान की हम सेवक हैं, इसलिए हम ठाकुर जी के हैं, करने कराने वाले वही है, बड़ा अभिमान तो एक दो बार पतला पैखाना हो जाएगा, हम कितना बड़ा बड़ा अभिमान हो गए हम नहीं सोच, फिर दो तीन बार पतला पैखाना हो जाएगा इसलिए तखन सानंद हरिनाम करते बाजे, यहाँ पर कह रहे हैं तब तक ही हरिनाम शुद्ध हरिनाम नहीं होगा जब तक हम अपने आप को कर्ता अभिमान छोड़ करके हम भगवान ही भक्त इनका ही दास हैं, जब तक ये अभिमान नहीं आता है ना तब तक आनंद में हरिनाम नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं देव कृपा बिंदु दिया करपेक्षा सकाल सहने बल दिया कर निज मने सकल सन्मान करी सकती देहनाथ यथा तबे गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे ह। इसलिए भक्तिमान ठाकुर के नहीं गुरुदेव कब हमारे पूर्व से कृपा होगा क्योंकि मैं दीनहीन होकर के सारे अभिमान को छोड़ करके तेरा भगवान का नाम जप करूँ, क्योंकि जब तक ये गुण नहीं आए ना तब तक आनंद में हरि नाम नहीं कर सकते, क्यों थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाए ना अगर विचलित हो जाए तो हरिनाम हरिनाम तभी कर सकते हो जब मन प्रसन्न रहे हृदय आनंद रहे हैं तभी तो हरिनाम कर सकते हो ना, अगर मन विचलित हो मन में अशांत हो थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आ जाए थोड़ी बात में क्रोध आ जाता है तो हरिनाम हरिनाम कर ही नहीं सकते, हरिनाम तो तभी होगा जब मन शांत हो धीर हो स्थिर हो चंचल नहीं हो तभी हम हरिनाम को तभी कर सकते हैं। इसलिए किसी ने बोल दिया मैं बट मेरे हो गल सारा भजन कर गुरुदेव ने बोले जंगल में जाकर गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर तो थोड़ी सी किसी ने बोल दिया तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो, अब जिस पेड़ को नीचे बैठोगे अगर पेड़ का टहन या अगर टूट कर गिर गया तो किसको बोलोगे, किसका मैंने क्रोध करोगे अगर पेड़ का टहन या टूट कर गिर गया अरे किस किस को बोलोगे अगर तुम किसको तो बोलोगे। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में बोले सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुनकर भी
हरि भजन नहीं छोड़ सत सौ सौ बार कोई अपमान करी, कोई लाछना करी, कोई कंजना करी, कोई अपमान करी है, लेकिन हरि भजन नहीं छोड़ना, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना, तो तभी भजन कर सकते हैं। उनका जो छठवा नंबर उपदेश है, किसने प्रश्न किया जीवर मंगल कखन है, तो जीव का मंगल कब हो, हम सब चाहते हैं हमारे मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इसलिए किसी ने पूछा प्रभुपाद जीव का मंगल कैसे होगा, प्रभुपाद अच्छी अच्छी बात बता दे, कहते वास्तव सत्य तखन ही हमारे कराओ है जखन ही हमारा श्री गुरुपाद पद्म आश्रय करी, गुरु है कृष्ण सेवा के जीवन करी, भले जीव का मंगल कब होगा ये प्रश्न है, पर ये अमंगल क्यों हो रहा है प्रश्न, आप कहते ना जीव का मंगल कब होगा प्रश्न होता है, पर ये अमंगल क्यों हो रहा है, भले अमंगल का एक ही कारण है, जो वास्तव वस्तु का हमें छोड़ करके जो अवास्तव वस्तु के प्रति हमारी भाव हो गई, भले जो सही है उसको छोड़ करके चूंकि हमें गलत वस्तु का भी हमने सही समझा, इसलिए माया का मतलब वो क्या होता है, माया का मतलब होता है जो जो चीज नहीं उसको अध्येय मानना, यही माया है, जो जो चीज नहीं वो चीज का मैंने यह मान लिया, और जो है ना जो सही है उसको तो मान लिया गलत, और जो गलत होगा हमने की मान लिया तो ये सही मान लिया, यही इसलिए तो ये माया है, इसलिए तो अमंगल हो रहा है, इसलिए बोले भयम द्वितिया भी निवेश अपेत विपर जय स्मृति, श्री नारद जी कहते हैं भयम जगत में भय क्यों हो रहा है, कारण भय का कारण क्या, बोले कारण यही है भयम द्वितिया भी निवेश, जहाँ तुम्हारी अभिनिवेश होनी चाहिए, जहाँ तुम्हारी प्रेम होनी चाहिए वहाँ नहीं होकर के अनित्य वस्तु का प्रति तुम्हारी वो हो गया है, इसलिए जैसे देखो श्रीवास जो गृहस्थ है श्रीवास साक्षात महाप्रभु यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, सारे परिकर वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, सारे परिकर देखो उन्हें क्या शिक्षा दी, सारे महाप्रभु स्वयं उनका परिकर कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन करते करते बीच में उनका बेटा शरीर छोड़ देता है, इसलिए कहते उन्होंने उनका बेटा शरीर छोड़ देता है, भक्ति कितना बड़ा है, अपना बेटा शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने देखा घर में रोना धोना है, तो उन्होंने महापुरुष के चरण में प्रणाम किया, कीर्तन को अंदर में गया, देखा उसको बेटा बड़ा पड़ा हुआ, उसको बड़े कपड़ लगा हुआ, तो क्यों रो रहे हो, तो तेरा एक लौता बेटा मर गया, बोले मर गया तो तू रो रही क्यों मर गया तो मर गया तू क्यों रो रहे हो, बोले तुम्हारा अकेला बेटा था एक लौता बेटा, बोले बता ये बेटा किसी ने दिया था, बेटा बोले ठाकुर ने दिया था, बोले लिया किसने, बोले ठाकुर ने, बोले ठाकुर जो दिया था और ठाकुर ने लिया तो कुछ भी करते हो, देखो उनका कितना बुद्धि कितना हाँ कितने तत्व ज्ञान है, दिया किसने ठाकुर ने, लिया किसने, बोले ठाकुर ने दिया, बोले दिया ठाकुर ने, जब लिया ठाकुर के बीच में तो रहे हो, मैं तो ऐसे सौभाग्य में भी प्रार्थना करता हूँ जहाँ साक्षात भगवान ठाकुर जी नृत्य कीर्तन कर रहे हैं और उसको बीच में शरीर छोड़ना कोई साधारण बात है, भगवान की कीर्तन सुनते सुनते एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जहाँ ठाकुर स्वयं और कीर्तन सुनते सुनते शरीर छोड़ा, इससे कोई सौभाग्य हो सकता है, बोले बेटा तो गया ही गया, अगर तुम्हारी रोना धोना सुन करके महाप्रभु का अगर कीर्तन का भंग हुआ मैं भी स्वयं गले में कलसी बांध कर गंगा में डूब जाऊंगा, खबरदार रोना नहीं चुप रहा, लेकिन हम लोगों का क्या भावना है, भगवान रहते हुए ऐसे अमंगल हो गया, भजन भजन माला माला कर दिया, हमें गुरु जी को पास में आई, गुरु जी रहते रहते हमारे ऐसे हो गया, हमने गुरु जी सेवा किया ऐसे हो गया, पहले तो माला माला पहले सबको त्याग दो, कंटी माला सब त्याग दो ये बंद चिंता, लेकिन सब कुछ जो कुछ होता है ठाकुर को कितना भगवान मंगलमय है, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, उनका हर काम में हमारे भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज उनका एक उपदेश है, वो कहते हैं
संसार की अमंगल को भगवान की दया बलिया जानवे। वो कहते संसार का जो अमंगल है ये भगवान की दया है। भैया कुंती भगवान से क्या प्रार्थना की, झोली में विपत्ति भर दो। भगवान बोले जिंदगी भर इतना कष्ट पाए, पहले तेरे बच्चों को बीस का लड्डू खिलाकर पानी में फेंक दिए, पहले जतु गृह में जलाने के लिए कोशिश की, हरी सभा में अपमान द्रौपदी की हुई, सारे राज्य गया, 12 साल तक जंगल में बैठ गए, 1 साल तक अज्ञात में रहे, इतना दुख भोगा, पेट नहीं भरा, फिर जब बरतना चाहते फिर दुख दो, फिर दुख दो, क्या कहती हैं, अरे सुख के माथे सील पड़े, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी को दुख को जो पल पल राम हृदय प्रभु, दुख में स्मरण सब कर सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण कर दुख कर ये, इसलिए कहते कहते यहाँ पर कहते हैं भय का मूल कारण है, जहाँ तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए वहाँ आसक्ति नहीं हो करके तुम्हारी आसक्ति गलती चीज में आसक्ति, इसलिए हम डरते क्यों, बीवी नहीं चल जाए, बच्चे नहीं चल जाए, काम नहीं चल जाए, ये नहीं चल जाए, अगर कोई बच्चे गए बाहर गए हाल में एक घंटा देरी हो गया, क्यों हो गया, इसलिए हो गया, फोन लगाओ हरी बोल कहाँ हो मतलब हम लोग फालतू हो जाते हैं, अगर 2 घंटा हो गया बड़े भागना दौड़ा शुरू कर देते हैं, पुलिस में जाओ ये या, इसलिए कहते सारे दुख का मूल कारण है ना, चूंकि हम भगवान को भूल गए, आसक्ति जहाँ होनी चाहिए नहीं हो गया, क्या मेरी आसक्ति गलती चीज में हो गया, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो वास्तव सत्य तखनी अमादेर करा होए, बल्कि वास्तव सत्य कब हम करते हैं, बोले तब करते हैं जब गुरु जी के चरण में हम आश्रय करते हैं, गुरु जी के चरण, क्यों, जब गुरु जी के शरण में आते हैं फिर हमें जिसे कहते ना चक्षु दान दिलाजे जन्मे जन्मे प्रभु चारण पद्मा केवल भक्ति शर्मा बंधो मोहि सब सच और असत का ध्यान प्रदान करते हैं, इसलिए चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु नमः, अज्ञान तिमिरां दर्श ज्ञानाञ्जनम्, जो हमारे आँखों में प्रेम रूपी अंजन ला करके हमें चक्षु प्रदान कर, चक्षु को चक्षु प्रदान करने मतलब पहले तो आँख था, बोलते क्या नहीं, हमें ज्ञान रूपी अज्ञान ज्ञान रूपी हमें ज्ञान प्रदान, हमें पता चला संसार की सत्य क्या है और जगत में झूठा क्या है, हैं सत्य और झूठा है, ये चीज की हमें ज्ञान, ये चीज हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कहते जो गुरु पाद पद्म आश्रय करी गुरु होए कृष्ण सेवा के जीवन करी तभी जीवन का परम किया, जब सतगुरु का शरण में आई आकर गुरु जी के चरण में हैं शरणागत होकर के गुरु जी के चरण की सेवा करते हुए किसका होकर के बोले गुरु हो भय, गुरु भय माने स्वतंत्र रूप में सेवा नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की हो करके जब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे तभी क्या होगा, तभी जीव का परम मंगल और परम कल्याण होगा, तभी ये जीव भगवत चरण को प्राप्त कर सकता है, इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं ना अहम इज्जा प्रजाति तप न समन वाह तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुषुषा, पहले मैं गुरु जी की सेवा अनुगत्य में सेवा को करा इतने संतुष्ट होता हूँ, फिर इतना संतुष्ट पूजा पाठ तपस्या करता इतना संतुष्ट
टफ नहीं होता हूँ, जितने गुरु जी की सेवा से गुरु जी का आदि व्यक्ति में रहकर के सेवा करने से जितना मैं संतुष्ट होता है, अगर ऐसे कोई कर सकता तो प्रभुपाद कहते हैं जरूर उसका जीवन में मंगल मंगल, जरूर उसका जीवन में कल्याण कल्याण। जैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पंचाकुल दुर्गस्य कृपा श्रीमद्भगवत सच्चिदानन्द पावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम Krishna, Hare Hare, Hare Rama.